एवरीवन, पिछले ही वीडियो में मैंने अभी बताया था कि एसिडिटी को किस तरह से रोका जा सकता है और किस तरह से आपका डाइजेशन का इश्यूज जो है वो सॉल्व हो सकता है सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने से। अब मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपको एसिडिटी फिर भी होती है या डाइजेशन इश्यूज है तो उससे दूर कैसे किया जाएगा, उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमित्रा कोठारी, वेलनेस कोच एंड वेलनेस एडवाइज़र। अभी फर्स्ट पॉइंट जो है, जो रेमेडी है एसिडिटी और डाइजेशन के लिए, वो है कि आप जंक फूड को अवॉइड कीजिए, जो कि आजकल बहुत सारे लोग जंक फूड खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें खाते हैं जो डाइजेस्ट करने में बहुत तकलीफ़ होती है, हैवी मील हो जाता है जिससे हम अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हैवी फूड, जो जंक फूड है, वो अवॉइड कीजिए। रिच कार्बोनेटेड फूड, वो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड जो है वो आप अवॉइड कीजिए, जिसमें ज़्यादा ग्लूटेन पाया जाता है, जैसे कि वीट है, मैदा है, जिसमें ज़्यादा ग्लूटेन होता है, वो फूड आप अवॉइड कीजिए। सेकेंड थिंग आता है, ईट हाई फाइबर फूड। जैसे कि अभी हाई फाइबर किस में मिलेगा? हाई फाइबर मिलेगा आपको ग्रीन वेजिटेबल में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं उसमें भी मिलेगा आपको, लेग्यूम्स में मिलेगा, लेंटिल्स में मिलेगा। अभी आप पूछेंगे ग्रेन्स कौन से हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रेन्स हैं जैसे कि बीन्स हैं, आपको उसमें विच आर रिच इन हाई फाइबर, तो ऐसे बीन्स मिलेंगे। फ्रूट्स है जैसे कि चेरी है, केला है, आपको पपीता है, जो पेप्टिन एंजाइम्स होता है जो डाइजेस्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, चेरी है, ये सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। सिट्रस फ्रूट है जैसे कि लाइम, लेमन है, और सिट्रस बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं जैसे कि ऑरेंजेस वगैरह, जो ऐसे फ्रूट्स आप अगर खाएंगे तो उससे डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। सेकेंड थिंग, ये थर्ड थिंग ये आता है, आप प्रोबायोटिक चीज़ खाइए, जो लैक्टोबेस है वो है, आपको मिलेगा दही में। दही में प्रोबायोटिक होता है, जो दही एक प्रोबायोटिक होता है, उससे आपका डाइजेशन बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकता है और आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और अभी रेमेडी में ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको एसिडिटी हो भी जाती है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि आपको एसिडिटी आपका दूर हो जाए। तो फर्स्ट थिंग आता है अदरक। अभी अदरक ऐसी चीज़ है जिससे आपके जो डाइजेशन इश्यूज़ है उसको बहुत हद तक सॉल्व करता है। आप गर्म पानी कीजिए, गर्म पानी में थोड़े से अदरक के बारीक बारीक टुकड़े करके डाल दीजिए और फिर वो सिप सिप करके, आपको याद रखना है गर्म पानी सिप सिप करके वो अदरक को छोटे छोटे टुकड़े चबा चबा कर खाना है और वो पीना है पानी, गर्म पानी में, तो उससे आपको बहुत हद तक आपका डाइजेशन इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगा, आपका एसिडिटी दूर होगा। सेकेंड थिंग, जो सेकेंड रेमेडी वो है, हरी धनिया और अदरक, सॉरी हरी धनिया और सौंफ, हरा धनिया, सौंफ, पुदीना, अगर आप इसकी चटनी बना के भी खाएंगे तो भी आपको डाइजेशन नहीं होगा। थर्ड थिंग, हींग ये आपको डाइजेशन डाइजेशन में बहुत इम्प्रूव करते हैं। जब अगर आप खाने में हींग डालते हैं तड़के में और वही खाना आप खाते हैं तो आपको डाइजेशन नहीं होता है, या फिर उसका अगर आप मान लो हो भी जाता है, आपको एसिडिटी होती है, तो आप उसका ये घी गरम करके उसमें हींग डालकर, जैसे कि दादी माँ के नुस्खे में बताया जाता था कि घी गरम करके उसमें हींग डालकर आप वो अपने बेली बटन में लगा सकते हैं, नाभि में लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको राहत मिल सकती है। फोर्थ थिंग अब ये आता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी है। देखिए, हम
खाना जब खाते हैं, हाई इंटेक कैलोरीज लेते हैं, हाई हैवी मील लेते हैं, तो कैलोरीज बढ़ जाती है। तो कैलोरीज को बर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बर्न कब होगा? हम दिन भर एक्टिविटीज़ करेंगे, ना कि पूरे दिन बैठे रहेंगे। अगर बैठे रहने पे अगर ज़्यादा काम नहीं है, अगर हम बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा फैट्स बढ़ेगा, कैलोरीज बढ़ेगी, और इसके वजह से डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा अपना, हमारा इंटरक्लॉक सिस्टम भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपकी कैलोरीज बर्न हो जाए और आपके मसल्स भी इम्प्रूव हो और आपका इंटरनल क्लॉक सिस्टम जो अपना डाइजेस्टिव का है वो भी अच्छी तरह से काम कर सके। और अभी फिफ्थ थिंग ये आता है कि नींद अच्छी लीजिए और मेक श्योर कि जब खाना खाए तो खाना खाने के तुरंत बाद ना सोए। खाना खाने के बीच और सोने के, खाना खाने के और सोने के बीच 3 घंटे का गैप होना चाहिए ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो सके। खाना पचने के लिए 3 घंटे तो जाते ही है। कोई भी खाना डाइजेस्ट होने के लिए आपको प्रॉपर आपके पेट में जो सिस्टम, जब आप खाना खाते हैं तो खाना पचने के लिए, उसको डाइजेस्ट होने के लिए 3 घंटे लग जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपको खाना खाते ही तुरंत नहीं सोना है, तो इससे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे कि अभी मैंने रेमेडी बताया आपको कि पपीता खाना है और अदरक खाना है, पुदीना है, चटनी जो है हरे धनिया की चटनी है, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। और हाई रिच जो मैंने फाइबर फूड बोला था, जैसे कि सलाद भी है, काकड़ी है और टमाटर है, गाजर है, इन सब, ये सब चीज़ें खाने से भी आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं होंगे। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, ये सारी जो रेमेडीज़ आपको बताया है जो आपको डाइजेशन इम्प्रूव होने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।